पुरस्कार अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, जैसे फिल्मों में दिए जाते हैं ना, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट सिंगर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड। इसी तरह से हमारा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग अवार्ड देता है, जैसे कि बेस्ट ऑथर अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट KBK अवार्ड, बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी अवार्ड, बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अवार्ड, बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड। इस तरह के बहुत सारे अवार्ड हमारे एग्रीकल्चर में भी चलते हैं, उन अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो अवार्ड्स एक बार हम देख लेते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स हैं, क्या कहते हैं, किन नामों से उन अवार्ड्स को जाना जाता है और किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक हो, सबसे पहला है ICAR चैलेंज अवार्ड। नाम से समझ में आ रहा है, अगर आप किसी चैलेंज को पूरा कर देते हो। एग्रीकल्चर में बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसी समस्याएं हैं जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स बहुत है। अगर कोई वैज्ञानिक किसी लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम को, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, उसे अगर सॉल्व कर दे, उस समस्या का अगर समाधान कर दे, तो उसे मिल जाता है ICAR चैलेंज अवार्ड। ऐसे वैज्ञानिक को ICAR चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो बस आपको तो नाम याद रखना है और किस फील्ड में दिया जाता है ये याद रखना है बस। तो ये दिया जाता है टू सॉल्व द लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। ठीक है, पैसों की बात आपको नहीं करनी, यहाँ पर पैसों पर क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कि इसमें 10 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं, तो वो सब चीज़ों के चक्कर मत पड़ो, आप तो बस ये याद रखो और ये किसके लिए दिया जाता है वो याद रखो। ठीक, ऐसे ही एक अवार्ड और है, सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग अवार्ड। ये किसको दिया जाता है? ICAR के द्वारा बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रही हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही हैं। ध्यान रखना, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इन जो बात कर रहा हूँ ना, वो एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एग्रीकल्चर की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से जो बेस्ट होते हैं, उनको मिलता है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो आप, ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन लोगों को दिया जाता है। ठीक है भाई, और देखो, एक होता है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार या पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड। ये देखो, नाम के बारे में नहीं बताऊंगा, पंडित सरदार पटेल जी को आप जानते हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आप जानते हो, ये अपना टॉपिक नहीं है, आप तो बस अवार्ड देखो और किस फील्ड में उनको मिलता है वो देखो। तो ये जो पंडित, इसमें भी 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है, ये जो सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग अवार्ड है, पर पैसों के ऊपर आपको नहीं जाना। अब आ जाओ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार या पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड। ये दिया जाता है बेस्ट KBK को। KBK क्या? कृषि विज्ञान केंद्र। बताओ सबसे पहला KBK कौन सा था और कब बना था? सबसे पहला KBK, चलो आप बताओगे, आप ही बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, सबसे पहला KBK पौंडीचेरी में बना था। अब आप लोग ये बताओ कि वो KBK किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में था और कब बना था। वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, आप देख लेना। ठीक है, तो जो बेस्ट KBK होता है उसको मिलता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड। इसमें मिलते हैं 25 लाख रुपये। इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे अधिक रकम है इस ICAR के अवार्ड्स में। 25 लाख रुपए मिलते हैं, इस 25 लाख में से 20 लाख रुपए तो खर्च करने होते हैं उस KBK के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, 2 लाख रुपए खर्च करने होते हैं, खर्च क्या करने होते हैं, उस KBK के स्टाफ में बांट दिए जाते हैं भाई, उनको इनाम के तौर पे दे दिए जाते हैं। ठीक है, 3 लाख रुपए खर्च करने होते हैं उन KBK स्टाफ की ट्रेनिंग पर, भाई उनको ट्रेन करो, उनको ट्रेनिंग दो, जिससे वो और नई चीज़ सीखें, नई टेक्नोलॉजी सीखें और नए रिसर्च करें, नए डेवलपमेंट करें और फिर से KBK अवार्ड लें। ये सारी चीज़ें मिली जाती है। 25 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एक होता है
चौधरी देवीलाल अवार्ड। चौधरी देवीलाल अवार्ड, देखो इंडिया के अंदर हमारे आईसीएआर ने बहुत सारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चला रखे हैं, AICARP। सबसे पहला तो चला था आपका मेज के ऊपर, 1957 में स्टार्ट किया था आईसीएआर ने फर्स्ट AICARP और मेज। जब उसके ऊपर सक्सेस मिली, सबसे पहली मेज वैरायटी मिली उस AICARP के अंतर्गत, तो बहुत सारी क्रॉप के ऊपर फिर AICARP चलाए गए और बहुत सारे टॉपिक के ऊपर चलाए गए थे। तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग AICARP है, जो आपका बेस्ट AICARP, इसका क्या मतलब होता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जो सबसे बेस्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसको मिलता है चौधरी देवीलाल अवार्ड, ठीक है। और देखो एक होता है हल्दर अवार्ड। कौन सा अवार्ड? हल्दर अवार्ड। हल्दर अवार्ड के किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है फार्मर को। किस लिए दिया जाता है? अगर कोई फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंट्रीब्यूशन करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो अगर कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो उसे मिलता है हल्दर अवार्ड, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पैसे कितने मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वो चीज़ पैसों के पास आप ये इसको याद रखना KBK वाले को, क्योंकि ये सबसे बड़ी रकम है, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो पांचवा अवार्ड कौन सा हो गया आपका? हल्दर अवार्ड, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड, सॉरी हल्दर अवार्ड मिलता है आपका फार्मर को। किसके लिए? ये आप कन्फ्यूज मत हो जाना भाई, जैसे मैं तो बताने में कन्फ्यूज हो गया। ये जो है वो आपका किसके लिए है? इसका है, ये आपका इधर। तो हल्दर अवार्ड किसको मिलता है? फार्मर को, किसानों को मिलता है, ऐसे किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना योगदान देते हैं। एक है आपका भारत रत्न, कन्फ्यूज मत होना भैया, भारत रत्न आईसीआर नहीं देता, पूरा सुनो, भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड। सुब्रमण्यम स्पेलिंग आप लोग देख लेना, सुब्रमण्यम अवार्ड। डॉक्टर सी सुब्रमण्यम कौन थे? बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये हमारे सेंटर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। बाकी का डिटेल में किसी के बारे में नहीं जानना, अपन को इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है बेस्ट टीचर को, बेस्ट टीचर को। तो काई के लिए दिया जाएगा? टीचर ऐसा क्या करेगा जिसके लिए उसको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलेगा? टीचिंग क्या करता है टीचर? क्या करता है टीचिंग? जो जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएगा, जिसकी सबसे बढ़िया टीचिंग होगी, उस टीचर को मिलेगा भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड। यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर के टीचर हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड बेस्ट टीचर और टीचिंग के लिए दिया जाता है। अब आ जाओ, एक अवार्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। ये किस लिए भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप सभी जानते हो, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? देखो हमारे एग्रीकल्चर में आए दिन कोई ना कोई नई किताब आती है, ठीक है। अब चूंकि एग्रीकल्चर है, इसलिए एग्रीकल्चर में हिंदी में ज़्यादा फोकस किया जाता है, हिंदी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये जो अवार्ड है ना, ये दिया जाता है बेस्ट बुक को, और बुक कैसी? टेक्निकल बुक, बेस्ट टेक्निकल बुक। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये जो बुक है वो हिंदी में होनी चाहिए, मतलब हिंदी लैंग्वेज में होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई किताबों को ICAR कोई अवार्ड नहीं देता, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया जाता है बेस्ट टेक्निकल बुक, वो भी हिंदी में लिखी हुई, इंग्लिश में लिखी हुई बुक को नहीं, हिंदी में लिखी हुई होनी चाहिए, उसको मिलता है। तो बेस्ट टेक्निकल बुक, अब किताब को तो मिलेगा नहीं ना, किताब जिसने लिखी है उसको मिलता है। किताब लिखने वाले को क्या बोलते हैं? ऑथर। ये ऑथर भी कौन है? ऑथर कोई भी हो सकता है, ऑथर मैं भी हूँ, मैंने भी कई किताबें लिखी हैं लेकिन सब इंग्लिश में है, ठीक है। कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट टेक्निकल बुक होनी चाहिए, किसी भी फील्ड की नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर की,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई किताब हो, एग्रीकल्चर में बहुत सारी है, हॉर्टिकल्चर है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो, उन किसी भी सब्जेक्ट पर अगर कोई अच्छी टेक्निकल बुक लिख दे, हिंदी में लिख दे, तो उसको मिल जाता है, उस लिखने वाले ऑथर को मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, एक होता है NASI, नासी ICAR अवार्ड। ये क्या होता है? NASI होता है नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, ICAR पता ही है। तो ये नासी ICAR अवार्ड किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है फार्म इम्प्लीमेंट्स के लिए। फार्म इम्प्लीमेंट्स आप जानते हो, हमारे खेतों पर यूज़ किए जाने वाले इम्प्लीमेंट्स, चाहे वो कल्टीवेटर हो, ट्रैक्टर हो, कोई भी इम्प्लीमेंट हो, फार्म पर यूज़ किया जाने वाला इम्प्लीमेंट। तो अगर कोई इनोवेशन करता है या कोई रिसर्च करता है फार्म इम्प्लीमेंट्स पर, अब कौन हो सकता है भाई, वो किसान भी हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई सीनियर जूनियर रिसर्च फेलो भी हो सकता है, कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है, कोई भी जो फार्म इम्प्लीमेंट में इनोवेशन करे, रिसर्च करके दिखाए, बेस्ट इनोवेशन होना चाहिए, बेस्ट रिसर्च होनी चाहिए, तो उसको मिलेगा नासी ICAR अवार्ड। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। कौन सा? नासी ICAR अवार्ड। ठीक है भाई, ये हो गया अपना आठवां अवार्ड। इसके बाद अपन बात करें तो एक है आपका पंजाब राव देशमुख अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? पंजाब राव देशमुख। कौन थे ये? पंजाब राव देशमुख अवार्ड, पता कर लेना आप लोग। पंजाब राव देशमुख अवार्ड ये किसको दिया जाता है? अब देखो, हमारे एग्रीकल्चर में वुमेन्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे वुमेन्स का इम्पोर्टेंस, इसलिए नहीं सिर्फ वो लेबर में ही हूँ, हाँ ये गलत फहमी मत रहना। हमारे एग्रीकल्चर में आज के टाइम पर लड़कियों का भी बड़ा दौर हो गया। पहला एक टाइम था मेरे वक्त की अगर हम बात करें, मेरे जो सीनियर जो थे वो बताते थे कि भाई हमारे उस वक्त तो हमारी क्लास में मुश्किल से छः या सात लड़कियां एडमिशन लेती थी, और कई पुराने बैच ऐसे हैं उनके बैच में तो कभी लड़कियां आती ही नहीं थी, क्योंकि सोचते थे कि भाई लड़कियां एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके क्या करेंगी। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। अब देखते हैं अपन, जैसे हमारे बैच में 20-25 लड़कियां थीं, अब तो बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ लड़कियों की बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर में भी लड़कियां आना स्टार्ट कर रही हैं, उनको एग्रीकल्चर में एजुकेशन भी, अब उनको अपना फ्यूचर नज़र आता है, और बहुत अच्छा फ्यूचर है लड़कियों के लिए, ठीक है। और हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं आज की डेट में, उनमें लड़कियां भी हैं, तो लड़कियों को पीछे मत समझना, लड़कियां भी बहुत आगे हैं, और एग्रीकल्चर में भी अब बहुत लड़कियां आ गई हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छे अच्छे पद पर हैं। तो उन्हीं को लिए, उन्हीं महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड बनाया गया है, पंजाब राव देशमुख अवार्ड। तो ये दिया जाता है वुमेन साइंटिस्टों को, वुमेन साइंटिस्ट जो महिला वैज्ञानिक हैं उनको दिया जाता है पंजाब राव देशमुख अवार्ड। ठीक है भाई, उसके बाद एक है आपका बसंत राव अवार्ड। क्या नाम है इनका? ये आपका बसंत राव, पूरा नाम है इनका बसंत राव नायक, यस पूरा नाम है इनका बसंत राव नायक अवार्ड। तो ये बसंत राव नायक अवार्ड क्यों दिया जाता है और किस फील्ड में दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो ड्राई एरियाज हैं वहाँ पर अगर कोई बेस्ट रिसर्च करके दिखाए, ये दिया जाता है बेस्ट रिसर्च इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या ड्राई एरिया। तो बेस्ट रिसर्च अगर कोई करता है ड्राई लैंड एरिया में या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, तो उसको मिलता है बसंत राव नायक अवार्ड। ठीक है, उसके अलावा एक देखो, इनको तो सभी जानते होंगे, डॉक्टर NG रंगा, इनके नाम पर तो यूनिवर्सिटी भी थी, अब वो यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया है। तो डॉक्टर NG रंगा अवार्ड ये कब दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर में, या फिर कहो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। अगर कोई बेस्ट रिसर्च करता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में, तो उसे मिलता है डॉक्टर NG रंगा अवार्ड। ठीक है भाई, इसके अलावा हम बात करें तो एक है चौधरी चरण सिंह अवार्ड, इनको तो सभी जानते हैं भाई, चौधरी चरण सिंह अवार्ड। इनके ऊपर एक डे भी बनाया जाता है, एक दिन बनाते हैं इनके जन्मदिन के भी, अपन उस पर
और वो दिन का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है डे, तो चौधरी चरण सिंह अवार्ड। ठीक है, मैं बता देता हूँ, वो दिन है आपका फार्मर डे। अब आप ये बताओ कि फार्मर डे कब बनाया जाता है, कौन से दिन को बनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह अवार्ड ये कब किसको दिया जाता है, ये अवार्ड ये दिया जाता है बेस्ट जर्नलिज्म को एग्रीकल्चर में, बेस्ट जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर, कृषि में अगर कोई बेस्ट जर्नलिज्म का काम करता है तो उसको मिलता है चौधरी चरण सिंह अवार्ड। ठीक है भाई, ऊपर मिटा देते हैं अपन। एक है आपका फकरुद्दीन अली अवार्ड, फकरुद्दीन अली अवार्ड ये काय के लिए दिया जाता है, ये भी दिया जाता है रिसर्च इन ट्राइबल फार्मिंग, बेस्ट रिसर्च इन ट्राइबल फार्मिंग। अगर ट्राइबल फार्मिंग में कोई बेस्ट रिसर्च करता है तो उसको मिलता है फकरुद्दीन अली अहमद अवार्ड। ठीक है, एक है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। कौन है ऐसा जो इनको नहीं जानता, सभी जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। ये दिया जाता है यंग साइंटिस्टों को, ये अवार्ड दिया जाता है यंग साइंटिस्ट को। कौन सा अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, ये दिया जाता है यंग साइंटिस्ट को। एक है आपका स्वामी सहजदानंद सरस्वती अवार्ड, स्वामी सहजदानंद सरस्वती अवार्ड, ये किसको दिया जाता है, स्वामी सहजदानंद सरस्वती अवार्ड ये दिया जाता है बेस्ट एक्सटेंशन साइंटिस्ट को, बेस्ट एक्सटेंशन साइंटिस्ट। ठीक है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के जो वैज्ञानिक हैं उनको दिया जाता है स्वामी सहजदानंद सरस्वती अवार्ड, ये बेस्ट एक्सटेंशन साइंटिस्ट को दिया जाता है। ठीक है, एक है आपका जगजीवन राम अभिनव अवार्ड, जग जीवन राम अभिनव अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है इनोवेटिव फार्मर को, जो आपके जागरूक फार्मर है, इनोवेटिव फार्मर है उनको दिया जाता है जगजीवन राम अभिनव अवार्ड। ये कौन थे जगजीवन राम अभिनव अवार्ड पता करना इसका। ठीक है, और भी देखो कोई अवार्ड रह गया हो तो, वैसे तो सभी अवार्ड करा दिए मैंने, कोई एक आधा अवार्ड रह गया हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, उसके बारे में भी बता देंगे। तो इसमें अवार्ड में आपको सिंपली आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, याद ना हो तो वीडियो देखना दो तीन बार, आपको आप सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अवार्ड से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 16 अवार्ड है, इन 16 अवार्ड को अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना, जो तरीका हो उस तरीके से इसको दिमाग में बिठा लेना। ठीक,